हेलो एवरीवन, दिल से वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे 25 मीटर्स शूटिंग रेंज में। आप देख सकते हैं ये है 25 मीटर्स का शूटिंग रेंज। यहाँ पे शूटिंग का मैच होता है, आप सामने देख सकते हैं, आपको वहाँ पे टारगेट्स दिखाई दे रहे होंगे। वैसे तो वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स हैं, बट वो अभी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, इसलिए अभी मैंने वहाँ पे मैनुअल टारगेट्स पेपर लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के टारगेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक जो छोटा ब्लैक सर्कल दिख रहा होगा उसको प्रिसीजन टारगेट बोलते हैं, और जो बड़ा सर्कल ब्लैक सर्कल टारगेट दिख रहा है वो ड्यूलिंग टारगेट है। ये दोनों ही टारगेट पेपर्स जो है वो 25 मीटर्स के मैच में यूज़ होते हैं। यह है प्रेसी होल स्पोर्ट्स का PX50 मैच प्रो। ये एक एयर पिस्टल है जो कि 10 मीटर्स में मैच के लिए यूज़ होता है। वैसे तो ये 10 मीटर्स शूटिंग गेम में ही यूज़ होता है, बट आज हम इससे आपको 25 मीटर्स में शॉट चला के दिखाएंगे कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है और ये कैसा इसका इम्पैक्ट रहता है, वो आज आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा वेपन आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका लीवर है और इसमें पैलेट लोड होता है। इसमें 0.177 कैलिबर की ये फ्लैट हेड पैलेट्स यूज़ होती हैं। आप देख सकते हैं ये फ्लैट हेड पैलेट्स हैं। इसमें कुछ और वेरिएंट्स भी आते हैं जिसमें पॉइंटेड होते हैं नुकीले वाले, और कुछ राउंड हेड पैलेट्स भी होते हैं, बट शूटिंग गेम में चूँकि जो है यही फ्लैट हेड पैलेट्स ही यूज़ होते हैं, तो मैं इसी से शॉट चला करके आपको दिखाऊंगा यहाँ से 25 मीटर्स के डिस्टेंस में। ये लगभग यहाँ से 80 फीट के डिस्टेंस पे, यहाँ से हम आपको ये चला के दिखाएंगे इस वेपन से। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये मेड इन इंडिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये मॉडल है PX50 मैच प्रो। ये इसका सिलेंडर है, इसी में प्रेशर फील होता है। अभी आप देख सकते हैं इसमें अराउंड 140 बार का प्रेशर है। 490 FPS का जो है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है इस एयर पिस्टल की, जो कि एयर पिस्टल के लिए काफ़ी डिसेंट है। इसको आज हम टेस्ट करेंगे इस छोटे से। वैसे तो हम उस टारगेट पेपर पे भी चला सकते हैं जो आपको सामने दिख रहा है, बट आज हम इसको टेस्ट करेंगे ये छोटे से बॉटल कैप के ऊपर। आप देख सकते हैं इसको वहीं पे हम फिक्स करेंगे इस बॉटल कैप को, कुछ शॉट्स चला करके दिखाएंगे। और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक मोनोक्युलर टेलीस्कोप भी लगा के रखा हुआ है, यहाँ से हम अपने टारगेट को देख सकते हैं। जब हम इसको वहाँ पे फिक्स करके आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस स्कोप से, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं। तो चलिए इसको वहाँ पे हम फिक्स करके आते हैं। आइए पहले यहाँ से देख लेते हैं कि इस टेलीस्कोप से हमें वो टारगेट कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से बॉटल कैप हमें दिखाई दे रहा है। तो आइए कैमरे को फिक्स करके शॉट चलाते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं हमने 5 शॉट चलाए और कितने हमने टारगेट हिट किए। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्कोप में दिखाना चाहूँगा, दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ शॉट्स लगे हुए हैं टारगेट पे, जो बॉटल कैप है। अब चल के हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि 5 में से कितने हमने ऑन टारगेट हिट किया है। आइए देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे हम इस वेपन से और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि इसको हम 50 मीटर्स में जा कर के ट्राई करेंगे कि वहाँ पर इसकी क्या एक्यूरेसी रहेगी और वहाँ पर इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, कैसा इम्पैक्ट रहेगा। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले ही और आप हमसे जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, गुड बाय, जय हिंद।